नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धूप के पानी के बारे में और जानेंगे धूप के पानी का उपयोग। वास्तव में धूप का पानी एक ऐसा चमत्कारिक पानी होता है जो आपके घर के वास्तु दोष को दूर करता है, साथ ही साथ आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को भी निकाल फेंकता है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान दोनों में ही धूप के पानी को बहुत अच्छा और चमत्कारिक माना जाता है। यदि आप लोग अपने घर में धूप के पानी का उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और आपके घर का माहौल पहले से अच्छा और खुशनुमा होने लगता है। ज्योतिष विज्ञान में धूप के पानी को बहुत ही दिव्य एवं चमत्कारिक माना जाता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यदि आप लोग अपने घर में धूप के पानी का उपयोग करते हैं तो यह आपके घर के वास्तु दोष को दूर करता है, साथ ही साथ आपके घर की ऊर्जा को भी परिवर्तित कर देता है। जी हाँ, यदि आप लोग अपने घर में धूप के पानी का उपयोग करते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल अपने आप ही बदलने लगता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटी सी कटोरी में पानी भरना होता है। जब आप उस कटोरी में पानी भर लें तो उस कटोरी को किसी साफ कपड़े से ढक करके धूप में रख दें। पूरी दोपहर उस कटोरी को धूप में ही रहने दें और संध्या होने से पूर्व उस कटोरी को ले आए। जब सूरज ढलने वाला हो तो उस समय उस कटोरी के जल को अपने बाहर वाले गेट के दोनों ओर डाल दें। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और साथ ही साथ आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। देखने में और सुनने में भले ही आपको यह उपाय छोटा सा जरूर लगे, लेकिन ज्योतिष विज्ञान के अनुसार यह उपाय अपने आप में बहुत ही दिव्य एवं चमत्कारिक माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होती ही है, साथ ही साथ आपके घर का माहौल भी बदलने लगता है। आप देखेंगे कि आपके घर परिवार के लोगों की सोच भी धीरे धीरे बदलने लगती है। आपके घर में शांति का माहौल बनने लगता है और आपके घर की धीरे धीरे उन्नति और प्रगति होने लगती है।